बेटा शैडो आ ही नहीं सकता। हाय गाइस, हेलो, हाय गाइस, हाय, हाउ आर यू? कैन यू कंफर्म इफ यू कैन हियर एंड सी फाइन? क्या कोई कंफर्म कर सकते हैं कि आपको अच्छे से सब कुछ क्लियरली वीडियो दिख रहा है और आपको आवाज भी क्लियरली आ रही है? अपने फोन का ब्राइटनेस इंक्रीज कर लीजिएगा। हेलो हेलो, हाय, ओके, थैंक यू सो मच ईशा। ओके, आई थिंक वी आर ऑलरेडी हाउ मेनी, ओके 600, राइट? वी आर 500 प्लस, परफेक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? इट्स बीन ऑलमोस्ट अ मंथ वी लास्ट मेट। ओके, सो एज द टॉपिक इज ऑलरेडी मेंशन्ड, हम लोग आज करने वाले हैं डे लुक, राइट? या ओके, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, आप लोग ने मेरा स्टोरी देखा ही होगा अबाउट टूडेज लाइफ, कि हम लोग कुछ क्विज भी करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें होने वाली है, एक अनाउंसमेंट भी आने वाला है। सो फॉर दैट यू हैव टू वेट टिल द एंड फॉर द अनाउंसमेंट, और रहिएगा क्योंकि बहुत ही जबरदस्त और बहुत आप लोग के लिए तो बहुत ही अच्छा न्यूज है। सो बी देयर टिल द एंड, ओके? यस, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज इन द टॉपिक वी ऑलरेडी मेंशन्ड, एज डे लुक करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट जल्दी से जो भी न्यू है उन लोग को मैं रूल्स बता देती हूँ अबाउट माई लाइव सेशन। सो यूजली मेरे लाइव सेशन में ओनली मेकअप की बातें होती है ज्यादातर, और आज हम लोग एक क्विज भी करने वाले हैं, राइट? सो प्रोडक्ट डिटेल्स आज मैंने क्या किया है, ऑलरेडी लिंक्स प्रिपेयर करके रखे हैं आप लोग के लिए, ताकि जैसे ही मैं प्रोडक्ट बताऊं मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूं। तो लिंक मैं शेयर करने वाली हूं मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल पे, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको लिंक अभी के अभी मिल जाए एंड यू डोंट मिस ऑन द लिंक, ओके? क्योंकि बाद में फिर मिस हो जाता है या फिर हम लोग भूल जाते हैं, तो अभी सेंड करूंगी तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज, ठीक है? तो ब्रॉडकास्ट चैनल वीडियो रुक गया, ओके ओके, आई थिंक यू हैव टू चेक योर इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम योर एंड, ठीक है? एक बार इंटरनेट कनेक्शन देखिए अपना, ओके, चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले, क्योंकि आज हम लोग डे लुक कर रहे हैं, सो आई एम गोइंग टू कीप द लुक वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट रखेंगे, ज्यादा टू मच ग्लिटरी आईज नहीं करेंगे, ओके? सबसे पहले मैंने आज स्किन केयर नहीं किया है, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। आई एम स्टार्टिंग विद द टोनर, ओके? या एज आई वॉज मेंशनिंग, जब तक ये कर रहे हैं मैं मेरे रूल्स भी बता देती हूँ, दैट ओनली मेकअप की बातें होंगी, ज्यादातर मेकअप की बातें होंगी। जो भी क्वेश्चन होंगे थोड़ा होल्ड करिएगा, बीच में रोक रोक के क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, ताकि क्लास का फ्लो खराब ना हो, ओके? एंड एज आई सेड, लिंक आपको अभी के अभी मिल जाएगा ब्रॉडकास्ट चैनल में। आई थिंक यस 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 यस, परफेक्ट। सो आई हैव माई ब्रॉडकास्ट चैनल ऑल्सो ओपन। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगाया था टोनर, सो मैं टोनर का अभी के अभी आप लोग को लिंक भेज देती हूँ। और ये नहीं है कि जो मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मैं शायद थोड़े एक्सपेंसिव या फिर थोड़े मिड रेंज के प्रोडक्ट यूज करूंगी, तो जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ वो आपके लिए बजट फ्रेंडली होगा। दो तीन चीजें सजेस्ट करूंगी, सो वट एवर इज सूट्स योर पॉकेट आप यूज कर सकते हैं। जो मैंने टोनर लगाया अभी वो है टी शोलो का, ओके? उसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ मेरा सनस्क्रीन। अब ये क्वेश्चन बहुत आते हैं,
कि अभी तो रात है, why are you using sunscreen? Sunscreen रात हो या दिन हो, you will have to use. ये stick sunscreen है and this is good for both from dry skin to normal to combination. Oily skin के लिए ये थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? और अभी तो सर्दियों का मौसम भी आ गया है, so yes. ब्रॉडकास्ट चैनल नेम आप मेरे प्रोफाइल में जाएंगे आपको मिल जाएगा बायो में. यू सेंट इट जस्ट नाउ? नो फीलिंग लिटिल हॉट है. क्योंकि मेरा सनस्क्रीन इतना मॉइस्चर वाला है दैट आई डोंट नीड अ मॉइस्चराइजर बिकॉज इट्स अ मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन. अगर आपको सनस्क्रीन के बाद भी लगता है कि फेस थोड़ा ड्राई लग रहा है, यू कैन गो विद अ मॉइस्चराइजर. सनस्क्रीन इज दिस वन, अर्थ रिदम का है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में है बट बहुत अच्छा है. आई डिडंट गेट योर मैसेज. Can you do it again? From which account did you do it? Awesome Nico. No. Okay. Okay. So after doing that, क्योंकि हमने अभी सनस्क्रीन लगाया, पोर्स को हमको फिल करना है, मेरा नॉर्मल स्किन है तो मैं टी जोन में प्राइमर लगाऊंगी. That will be this primer. Okay. मैं सेम टाइप का प्राइमर को आपको यहाँ पे सजेशन दे देती हूँ. ठीक है, सो यहाँ मैं प्राइमर लगा रही हूँ मेरे टी जोन में. ओके, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? ओके, आई विल ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश. इन केस यू हैव स्पेसिफिक क्वेश्चन प्लीज ड्रॉप इट इन इंग्लिश सो दैट आई कैन आंसर योर क्वेश्चन. या यू गाइस सी, अभी जैसे ही मैंने आई पुट द प्राइमर, उस वो जगह पूरा मैट हो गया. ओके, नहीं, सनस्क्रीन इज अ मस्ट. भले आप मेकअप करे नहीं करे, सनस्क्रीन इज अ मस्ट. ओके, ध्यान से देखिएगा क्या प्रोडक्ट यूज करी हूँ, क्या स्टेप्स करी हूँ. 5 क्वेश्चंस आज मैं पूछूंगी मेरे लाइव सेशन में थ्रू आउट. ओके, 5 क्वेश्चन पूछने वाली हूँ और 5 क्वेश्चन में से आप जो फर्स्ट आंसर देगा हर एक क्वेश्चन का, दे गोना विन प्राइज फ्रॉम माई एंड. ओके, सो डोंट मिस इट गाइज. मोर देन यू नो प्राइज, इट्स अबाउट आप लोग ने स्पेशली जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गया हम लोग ये लाइव कर रहे हैं. मैं भी देखूँ आप लोग ने कितना नॉलेज गेन किया है ना, और बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ मैंने प्राइमर लगा दिया है. प्राइमर लगाने के बाद मेरा स्किन हो गया है ऑलमोस्ट प्रेप. ओके, स्किन प्रेप जब करते हैं थोड़ा टाइम दीजिएगा ताकि स्किन थोड़ा प्रोडक्ट जो है अब्सॉर्ब कर ले. Oily skin products. What exactly you want to know in oily skin? You let me know so that I can suggest. Ma'am, आपके यहाँ bridal courses का fees कितना है हरी का? Please मेरे profile में जो number दिया गया है उसपे contact कीजिए, आपको सारे details मिल जाएंगे. हाँ, आपने skin tone and skin type कैसे पता करें? Skin type आपको पता करना पड़ेगा. अगर आपके skin से बहुत ज़्यादा oil निकलता है morning when you wake up, then your skin is oily, okay? And if it feels very stretchy and you want to apply a lot of moisturizer, then your skin is dry. T-zone mein oil nikalta hai, rest of the face is dry, then your skin is normal skin. That's it, okay? Many people saying, can we skip sunscreen? No. I'm your first student. That's great. My first live with you. I'm sure you're going to benefit a lot from this. Okay, perfect. So next I'm going to conceal. क्योंकि हम लोग day look कर रहे हैं, so I don't want to make it too much. So I am using this concealer from Too Faced. Okay. Okay. Ilma is asking day look क्या है? I think day look मतलब जो दिन में हम wear करके चल सके. देखिए evening का makeup look मैं बात करते करते यहाँ पे process भी करती हूँ ताकि late ना हो. इवनिंग का लुक में क्या होता है, बहुत ज्यादा आप थोड़ा
थोड़ा सा हैवी मेकअप कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू डे लुक क्या है कि आप सन के सामने रहेंगे, सो इफ यू आर इन फ्रंट ऑफ द सन उस लाइट में और जो हैलोजिन लाइट्स होती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है. सो द मेकअप चेंजेस, तो आप वो सब चीजें सीखोगे कि डे लुक में कैसे प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए और कितना यूज करना चाहिए. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. यहाँ मैंने ये वाला शेड है महागनी फ्रॉम टू फेस्ड. अंडर आईज में थोड़ा डार्क कलर लगाऊंगी. ओके, दिस इज अ कंसीलर आई एम अप्लाइंग. क्वेश्चन साकी मैम प्लीज आप हिंदी में ही बोलिए. हम मिक्स करके बोलेंगे, ठीक है, मिक्स करके बोलेंगे. प्राइमर का ड्यूप बताइए. प्राइमर का ड्यूप मैंने अभी भेजा है ब्रॉडकास्ट चैनल पे, देख लीजिएगा. सो दिस ड्यूप रेसी ड्यूप या ड्यूप मींस डुप्लीकेट. नॉट सो इन दिस बेसिकली ड्यूप इज हु आई डोंट नो लाइक अब इट डजन ड्यूप इज बेसिकली बजट फ्रेंडली. एक्चुअली इट्स अ इंग्लिश वर्ड के हिसाब से नहीं सही है बट या. व्हिच प्रोडक्ट यू यूज फर्स्ट रुक्सार? I use the toner from T. Sholo. From Joshi Charmi. Primer क्यों T section में only? Because मेरा बस T zone oily है इसीलिए, और मैंने silicone based primer use किया है, that's the reason. Primer कौन सा लेना चाहिए normal skin के लिए? हिमा. नॉर्मल स्किन के लिए मतलब अगर आपका स्किन जहाँ से ऑयल निकलता है उसके लिए मैंने आपको भेजा है, देखिए सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर ऑलरेडी सेंड किया है. डिवाइन मेकओवर कैन वी स्किप सनस्क्रीन? नो यू शुडंट. सनस्क्रीन इज अ मस्ट वेदर इट इज अ मेल फीमेल इवन अ इन्फेंट और अ बेबी सनस्क्रीन इज अ मस्ट. बेसिक प्रोडक्ट फॉर ऑयली स्किन विशाक का. बेसिक प्रोडक्ट फॉर ऑयली स्किन व्हाट बेसिक प्रोडक्ट स्किन प्रोडक्ट what exactly you want to know? Arshia, products name, whatever she's using, she is actually putting the link on her broadcast channel. You'll be getting all the products in there. Foundation primer for oily skin, Isha. When I come to foundation step, I'm going to tell it. So, yahan maine laga liya hai dusra concealer. This shade is from Too Faced only and the shade name is Warm Beige. ओके, पिगमेंटेशन का कोई सोल्यूशन बताइए. वाडवा पिगमेंटेशन डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको सोल्यूशन दे सकते हैं अगर आप परमानेंटली उसको रिमूव करने की बात कर रहे हैं तो. अनाहत आई एम अ मॉडल वांट टू वर्क विद यू कुड यू प्लीज सेंड योर मैसेज ऑन द गिवन नंबर माय टीम विल गेट बैक टू यू. ड्राई स्किन के लिए कौन सा प्राइमर यूज करना चाहिए? Dry skin ke liye, I will send it right away. Good that you asked that question. I have kept it for you guys. Radiant oil hai. Maine abhi bheja hai, dekhiye broadcast channel pe. It's a oil. So for dry skin, you need to use a oil based primer. And I sent it just now. You can have a look at that. Please show me sunscreen, Sara. So many first time live. चलिए shall I ask my first question to you guys? Are you guys ready? एकदम अपना जो typing वाला है वो खोल के रखिएगा. Makeup से related नहीं है, मेरे से related है. Makeup से related नहीं है, मेरे से related है. What about combination skin? Twins. For what? Whatever I think you discussed maybe something related to combination. You were talking about dry skin. Really? Dry skin. Okay, let's go ahead. Okay, एक नहीं दो questions होगा इसी में ही. सब question, question का सब question. First, my full name with correct spelling. Okay, my full name with correct spelling and where am I from? Or no, not where am I from. What language? What is my native language? My mother tongue. Sorry, my mother tongue. My full name with correct spelling. चैनल नहीं मिल रहा है, स्टोरी में डाल दूंगी मैं चैनल. कंसीलर शेड नंबर प्लीज. हैव यू यूज्ड इट? आई टोल्ड कंसीलर आई हैव यूज्ड इज कैरेमल वार्म बेज एंड महागनी. जस्ट कंसीलर्स आई हैव यूज्ड. Yeah. Okay.
सो मेनी ऑफ यू आर सेइंग उर्दू आई डोंट नो उर्दू मैम जस्ट दैट मे बी माय इंग्लिश इज सो गुड मैम आप ऐसे भी कट लग रहे हो क्यूट अच्छा कंसीलर डार्क ले या लाइट कलर ये वाला क्वेश्चन इतना आता है थोड़ा ब्रेक लेके मैं इसका आंसर करूंगी ओके आई विल गेट माय आंसर हूएवर आंसर्स दीस टू क्वेश्चंस पीपल आर आंसरिंग बट माय स्पेलिंग इज नॉट करेक्ट हिंदी में बहुत अच्छा बोलती हूँ क्योंकि मैं केवी से हूँ केवी से पढ़ी हूँ इसीलिए ठीक है आप लोग आंसर देते रहिए हम लोग देखेंगे बाद में एंड देन वी सम पीपल हैव आंसर बट नॉट द राइट स्पेलिंग नॉट द राइट स्पेलिंग बट वी विल गेट बैक टू यू फॉर दैट ओके ओके शैल वी मूव अहेड फाइन सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने जस्ट कंसीलर लगाया है अगर आप डे लुक कर रहे हैं वेयर इज द ब्रॉडकास्ट चैनल मंजुला इज आस्किंग इन माय प्रोफाइल ओके अमित कैन वी हैव 5 मिनट्स ओके सो अभी मैंने जो यहाँ पे किया है कंसीलर बस लगाया है देयर इज नो फाउंडेशन ओनली कंसीलर एंड देन वन क्वेश्चन केम व्हिच वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड व्हिच कम्स वेरी ऑफन कैमरा से लो ना ओके व्हिच कम्स वेरी ऑफन इज That why should we take or what color should be my concealer? Okay, it's there only inside. Okay, what should be my concealer shade? Switch on the mic also. Give me here. So, hold it on and on this. Up. No memory card. Then leave it. It's okay. Phone silver. Okay, what should be the concealer shade? Now, अगर एक बहुत अच्छा example दूंगी ठीक है? सोचिए आपने दीवार में एक painting करवाया है. ठीक है दीवार में पेंट कराया आपने व्हाइट कलर का उसके ऊपर आपने डिजाइन बनाए सोचिए ब्लू कलर के डार्क ब्लू नेवी ब्लू कलर के डिजाइन बना दिए ओके अब आपको अगर वो डिजाइन को छुपाना है इफ यू वांट टू हाइड दैट डिजाइन ओके व्हाट यू हैव टू डू इज यू कैन नॉट यूज व्हाइट कलर अगेन अगर आप व्हाइट कलर लगाओगे उस दीवार पे क्या होगा द ब्लू कलर विल पॉप आउट राइट वो नहीं छुपेगा अगर आप उसके ऊपर येलो कलर लगाओगे ब्लू कलर फिर भी दिखेगा अब क्या करने पे आपका ब्लू कलर छुपेगा या तो आप सेम कलर लगाओगे एग्जैक्टली दैट ब्लू कलर तो पूरा वॉल में जो भी वो पोल्का डॉट्स जो भी डिजाइन है वो छुप जाएगा या फिर इफ यू पेंट अ लिटिल बिट मोर डार्कर कलर से सपोज अ लिटिल ब्लैक कलर दिस इज आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल ऑफ अ वॉल विद द पेंटिंग ओके सेम थिंग इज आवर फेस फेस है पिगमेंटेशन हर जगह पे है जहां पे भी है उस जगह पे आप अगर लाइट कलर लगा देते हो तो नीचे जो भी डार्क सर्कल्स पिगमेंटेशन माउथ एरिया में जो भी है वो पॉप आउट करेगा राइट बट अगर आप सेम कलर का या 0.5 या 1 कलर डार्क शेड लगाते हो क्या होगा छुप जाएगा नीचे जो चीज है वो दिखेगी नहीं सो दैट्स हाउ यू मेरा लाइव डिस्टर्ब हो रहा है इफ यू आर कॉलिंग मी Okay, my life is getting disturbed. Don't call. Yeah. Okay, so one last one. Okay, so you understood? समझ में I feel this was the best example and I hope ये answer होगा because ये इतना ज़्यादा problem है चाहे वो professional makeup artist हो या self हो जो भी है ये एक जो चीज हमको दिमाग में रखनी है कि concealer shade हमारे skin से related होना चाहिए आई मीन पिगमेंटेशन का कलर का होना चाहिए या फिर 0.5 डार्क भी होगा तो चलेगा अब लाइट कलर का कंसीलर कब लगाए ये दिमाग में आएगा राइट फाउंडेशन हो गया एग्जैक्टली अपने शेड का उसके बाद जब आपको थोड़ा सा ब्राइट थोड़ा सा गोरा दिखना है तब आप लगाओगे आपका लाइटर कंसीलर बट कहां पे पूरे फेस पे नो अगर आप पूरे फेस पे लगाओगे तो क्या हो जाएगा पूरा चेंज हो जाएगा कलर ओनली ऑन टी जोन टी जोन में जब लगाओगे देन योर फेस विल लुक मोर ब्राइटर और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे हो जाएगा और जगह पे कॉन्टोरिंग हो जाएगी आई होप दिस इज क्लियर लेट मी आंसर दिस इन इंग्लिश ऑल्सो वेन आई सॉरी गाइज मेरा ना थोड़ा ऑर्डर्स था तो मेरे प्रोडक्ट्स इधर उधर हैं थोड़ा सा एक्सक्यूज मी
authorized login from, did you try to login from? Get back to mobile network. New guys, login. Is the live clear? New login. Oh shoot. Aura barrier. Guys, is the live clear now? Just Wi-Fi, is it? Yeah, Wi-Fi. Welcome back. Blur. Oh yeah, it's so blur, see? Abhi theek hua, guys? I think it is. Okay, perfect. Network issues. Can you try to give me that you said no? Broadcast and I'll pin it. I did it though. Can you do it again? Haan, okay, perfect. You guys are back, right? Haan. So, अभी जो भी हिंदी जो भी इंग्लिश समझते हैं, मैं मैक का यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करी हूँ फेस को सेट करने के लिए. अबाउट द कंसीलर, व्हाट आई वाज टेलिंग इज, से यू टेक एन एग्जांपल ऑफ द वॉल, ओके, एंड यू हैव पेंटेड द वॉल एंड देर इज सम डिजाइन ऑन द वॉल, से सम लीव्स, फ्लावर एंड ऑल, ओके. द लीव इज ऑफ ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर. नाउ हाउ विल यू हाइड इट? इफ यू पुट व्हाइट कलर अगेन, इट्स नॉट गोना हाइड. सो टू हाइड दैट यू हैव टू यूज द सेम कलर और यू हैव टू यूज अ डार्कर कलर, राइट? So, same with your face also. If you have pigmentation, you have to use either the same color concealer or 0.5 darker color. You cannot use a lighter color. The moment you use a lighter color, it will show. Okay, so that is what I said in Hindi. I hope those people who understand English understood this part. So it's coming. Now can you read questions? हिंदी बोलिए, हिंदी में बोलिए मैम. हाँ, हिंदी में बोल रही हूँ. विंटर सीजन के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है? यस, इसके लिए तो आपको मेरा नेक्स्ट लाइव सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट लाइव सेशन इसी पे होने वाला है. विंटर में कैसे मेकअप करें और क्या क्या प्रोडक्ट है जो विंटर में यूज होना चाहिए, इसका मैं अलग से लाइव सेशन लेके आऊंगी. Okay. Ashwin is asking compact and loose powder difference. Compact powder gives you another layer of coverage. Loose powder is just to set your face. Ghai Ekta, ma'am, you don't use foundation. Today, yes, that is a very good question. We just moved away from the class. So yeah, today I haven't used any foundation because I used a very full coverage concealer. If you see, माइट बी लिटिल बिट इज पॉपिंग आउट अंडर आई, बट स्टिल आई डोंट वॉन्ट टू मच. मेरे को बहुत ज्यादा नहीं दिखाना है अपना फेस में प्रोडक्ट, क्योंकि मैं डे लुक कर रही हूँ. दिस इज द डिफरेंस, राइट? इफ यू आर डूइंग अ डे लुक, यू डोंट वॉन्ट, बिकॉज पीपल विल सी यू फ्रॉम वेरी नियर, प्लस यू आर इन द सनलाइट, सो यू डोंट वॉन्ट टू मच ऑन योर फेस. अगर मेरे पिगमेंटेशन के साथ, इफ आई कैन डू दिस स्टेप, एनी वन कैन, ओके. सो ये स्टेप आप कर सकते हो विदाउट द यूजेज ऑफ फाउंडेशन. सो There is no foundation also. Two concealers, you are sorted. इसीलिए मैं कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ एंड लूज पाउडर नहीं लगा रही हूँ. Yes. Which brand concealer is the best? Khab. I have sent it to you on the broadcast channel. Okay, Maybelline is good. Elf is good, and the one which I use is definitely very very nice. But it's if your budget is not that much, but I have suggested you budget friendly also. Show us how to contour, Melo ma'am. Doing it. Today I'm going to do bronzing because we are doing a day look. Vidya is asking, how do you decide foundation for face? Swatch it on your lightest part of the face and if blends properly, that's your shade. Rahat, next live kab hai? Next live ka aapko reel mein aa jayega update. Agar aap follow kar rahe hain to aapko update aa jayega. Next I'm using a bronzer. Next concealer lagaya use finger se blind कर सकते हैं क्या? हाँ जी, अगर आप खुद का मेकअप कर रहे हैं तो बहुत इजीली फिंगर से ब्लेंड कर सकते हैं, जरूरी. पल्लवी इज आस्किंग व्हाई आर यू यूजिंग कॉम्पैक्ट नाउ? या यू शुड ऑलवेज यूज इट आफ्टर द लिक्विड प्रोडक्ट, ओके. इफ यू आर डूइंग लूज पाउडर, देन यू हैव टू यूज लूज पाउडर बिफोर द कॉम्पैक्ट. आई एम यूजिंग इट बिकॉज आई वॉन्ट लिटिल बिट मोर कवरेज. एज यू सॉ, आई हैव लिटिल बिट मोर पिगमेंटेशन, सो टू हाइड दैट आई एम यूजिंग इट. इज इट अ टाइम फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? Shall I ask my second question? Are you guys ready to answer?
टेल मी, दिस इज इजी वन, ओके, टेल मी विच वॉज द, व्हाट ऑल हैव यूज्ड, ओके, विच वॉज द कंसीलर आई यूज्ड, विच ब्रांड कंसीलर डिड आई यूज टूडे, विच ब्रांड कंसीलर डिड आई यूज टूडे. Till the time I'm bronzing. मैम सिंपल मेकअप के लिए कौन सा फाउंडेशन यूज कर रही है? Maybelline का. For party wear look, which brand foundation is good? One second. For party? Where which party wear natural look, which brand foundation is good? For yourself, you can use Milani. मैम primer for all skin type and for siders. Primer for all skin types, you can use this one, the blurring primer from Elf. Sure. For very dry skin, that will not be that great. Okay, but yes. Shaina Singh, can you suggest starting mein collaboration kaise milta hai? Starting mein collaboration kaise milta hai? Okay, so collaboration agar aap shuru kar rahe ho, to aap hi ko reach out karna padega. Sare brands ko reach out kijiye, message kijiye Instagram mein. Then slowly. पीपल लाइक आजकल तो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को और ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है और बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपके जो फॉलोअर्स हैं और आपका जो रीच है वो सब आपको ध्यान में रखना है. सो यू हैव टू सेंड योर स्टैटिस्टिक्स. सो इट्स अ वेरी वेरी डिबेटेबल कॉन्सेप्ट, बट या स्टार्टिंग में अगर आपको चाहिए तो यू विल हैव टू कॉन्टैक्ट द ब्रांड्स एंड देन गो विद योर स्टैटिस्टिक्स कि आपके क्या रीच है और आपके फॉलोअर्स की क्वालिटी क्या है. दैट मैटर्स अलॉट, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, लोग बहुत आसानी से फॉलोअर्स अपने खरीद के एकदम बोलिए 15 मिनट में 100 फॉलोअर्स से 5000 हो सकते हैं. ओके, बट दैट्स नॉट द वे टू डू इट, बिकॉज वी नो कि ब्रांड को पता चल जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, सेकेंड ऑफ ऑल, इंस्टाग्राम अकाउंट आपका बहुत ही प्रॉब्लम देगा. ओके, क्या होगा, इंस्टा को पता चल जाएगा क्योंकि वो लोग अपना जो है बैक एंड में वो देखते रहते हैं, चीजें ठीक करते रहते हैं, तो उनको पता चल जाएगा. तो क्या होता है ना, उससे जो आपके अपडेट्स भी है वो भी कम हो जाते हैं और लेट आता है. सो मेक श्योर कि आप कभी भी फॉलोअर्स ना खरीदे, बी रियल, अपना कॉन्टेंट ढंग से रखिए और फॉलोअर्स जितना जेन्युइन है उतना आपके लिए अच्छा है. ओके, नेक्स्ट आई एम यूजिंग अ ब्लश हियर. ओके, समवन सेड समथिंग. ओके फाइन, नेक्स्ट, डिड आई गेट आंसर फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन? आई थिंक या कपल ऑफ देम आंसर्ड, सो वी विल चेक फॉर दैट एंड देन वी विल टेल यू. आई थिंक मैं थोड़ा शैडो दे रहा हूँ, स्विच दिस ऑफ. आई थिंक अर्शिया मैम, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए क्या यूज करें? आपको फिक्सिंग स्प्रे यूज कीजिए, सेटिंग स्प्रे नहीं, फिक्सिंग स्प्रे यूज कीजिए, उससे मेकअप लॉक होगा और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी. Can you tell sensitive skin products? See, sensitive skin product, I cannot suggest you sitting here because I need to see your skin. Okay? Sensitive product suggest आप भी जब अपने ब्राइड्स करते हैं या अपने लिए भी, क्योंकि sensitivity can be different for different people, the sensitivity level. Okay? You have to always swatch and then understand what kind of sensitivity you have with what product. And आपको पता करना पड़ेगा कि आपको sensitivity प्रोडक्ट नहीं, किस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट से है. सो नेक्स्ट टाइम आप जब प्रोडक्ट खरीदने जाओ तो उस इंग्रेडिएंट जिसमें वो इंग्रेडिएंट ना हो वो वाला प्रोडक्ट खरीदो. व्हाट इज द ब्लश नेम? इट्स फ्रॉम नार्स, बट आई विल सजेस्ट यू गाइड द अदर ब्लश आल्सो इन माय ब्रॉडकास्ट चैनल. डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजर? इट्स द सेम, इट्स द जस्ट द name difference, that's it. Moisturizer gives you hydration, that's it. You asked concealer, right? हाँ, which was the concealer I asked. Okay, so ये मैंने NARS का use किया था, दो चीज़ें मैंने यहाँ पे मैंने Forever 52 का use किया था. I mean, this light has to go this side. I think it's getting a little bit of... हाँ, yes. Shadow दे रहा था. नेक्स्ट वीडियो विंटर मेकअप के लिए. हाँ,
एग्जैक्टली वही होने वाला है. नेक्स्ट मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ यहाँ पे. आई एम यूजिंग फॉरएवर 52 का हाइलाइटर. विच ब्रांड स्टोप क्रीम्स यूजुअली गिव्स नेचुरल सेलिब्रिटी लुक लक्ष्मी? ओके, इट इज नेचुरल ऑल्सो एंड इट इज सेलिब्रिटी लुक ऑल्सो. ओके, सी नेचुरल इज समथिंग वेरी डिफरेंट फॉर एवरी वन. आपका नेचुरल मेरे नेचुरल में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है. ओके, सो अगर आपको स्ट्रोप क्रीम जानना है तो रेने कॉस्मेटिक्स का स्ट्रोप क्रीम बहुत अच्छा है, आप वो यूज कर सकते हो. और अगर आपके आपको थोड़ा हाई एंड में चाहिए तो मैक नथिंग लाइक इट. ओके, इट्स द बेस्ट वन. स्विस ब्यूटी इज ऑल्सो गुड बट नॉट बेटर देन रेने, बिकॉज रेने एंड स्विस आर ऑलमोस्ट सिमिलर मनी वाइज, प्राइजिंग वाइज. ओके, नेक्स्ट यू आस्क्ड मी वाज अबाउट सेलिब्रिटी. नाउ सेलिब्रिटीज का काम क्या है? सुंदर दिखना. ओके, और अपनी स्किन का टेक केयर करना. सो सेलिब्रिटीज पे जो अच्छा दिखता है जरूरी नहीं है कि सब पे अच्छा दिखे, क्योंकि हम वी आर ऑल नेक्स्ट डोर गर्ल. ओके, वो लोग काम करते हैं सुंदर दिखने के लिए, राइट? दे गेट पेड टू लुक ब्यूटिफुल. सो अगर आप भी अपने स्किन का केयर करेंगे और अच्छे से अपने डाइट का केयर करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और बहुत सारा पानी पिएंगे और अपना जो ट्रीटमेंट है स्किन का वो कराएंगे, तो आपका सेलिब्रिटी लुक ऐसे भी आ ही जाएगा. अदरवाइज रेने कॉस्मेटिक्स एंड योर स्विस ब्यूटी एंड मैक इज द स्ट्रोक क्रीम यू कैन यूज. यस, मिस्ट्रियस गर्ल, मैम मार्स का लिपस्टिक कैसा होता है? मार्स प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी नाइस एंड वेरी अफोर्डेबल. सो आंख बंद करके यू कैन बाय मार्स प्रोडक्ट्स, दे आर वेरी नाइस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, लैक्मे का प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं? स्पेशल कुछ बताइए. लैक्मे का प्रोडक्ट डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, बट ब्राइड्स में मत यूज करिएगा क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग मेकअप नहीं आएगा उससे. वो आप यूज कर सकते हैं सेल्फ के लिए. ओके, यहाँ पे मैं आज आप लोग को एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास हेयर स्प्रे है और एक स्पूली है, राइट? आई हैव दीज टू प्रोडक्ट. आप लोग ने ये प्रोडक्ट तो देखा ही होगा. ओके, ब्राउ सोप. ओके, सो ब्राउ सोप, व्हाट ब्राउ सोप डज इज, अगर आपके हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा है और हमेशा ये नीचे की तरफ रहता है, हमेशा अपसेट रहता है, आपके ब्राउज ऊपर नहीं उठते हैं, इधर यू कैन यूज दिस. अगर आपको इस पे इन्वेस्ट नहीं करना है ब्राउ सोप, तो आप लीजिए अपना हेयर स्प्रे, कोई भी हेयर स्प्रे और स्पूली. इस पे मैं थोड़ा सा हेयर स्प्रे मार रही हूँ. ओके, लेट इट ड्राई अ लिटिल बिट एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू सेट माई आईब्रो हेयर. डायरेक्टली कभी भी स्प्रे नहीं करना है, ये कीजिए. इससे क्या होगा, आपके आईब्रोज हिलेंगे नहीं. बट मेक श्योर कि घर आके आप अपना फेस जब वॉश करें तो आईब्रोज को अच्छे से वॉश कीजिएगा. वेडिंग मेकअप कब सिखाओगे? वेडिंग मेकअप सर लाइफ के एंड तक रुकिए, बहुत ही जबरदस्त अनाउंसमेंट है. हिंदी में बात करो प्लीज. दिस इज द वन. प्लीज रिव्यू मनीष मल्होत्रा फाउंडेशन. श्योर, आई विल डू इट. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हिज मेकअप, बिकॉज मेरा जब नॉट रिसेंटली बट जब मैं शुरू में मेकअप करना स्टार्ट किया था, एंड आई यूज टू लॉयटर अराउंड, मैं हर जगह जाती थी, सफोरा नहीं का जहाँ भी मिल जाए मेकअप प्रोडक्ट्स देखने के लिए, क्योंकि हम तो सब कुछ खरीद नहीं सकते तो हमको तो टेस्ट करना है, तो मैं जाके देखती थी. तो तब मैंने उनके आई शेडोज को स्वॉच किया था, डिडंट लाइक इट मच. विंटर में सनस्क्रीन लगाना चाहिए हमें. दिस इज द हाइलाइटर फॉरएवर 52 का, इसका भी मैं आपको लिंक भेज दूंगी. विंटर में सनस्क्रीन डेफिनेटली, विंटर ऑटम कुछ भी हो, सनस्क्रीन ऑल वेदर अ मस्ट, ऑल सीजन ऑल वेदर एवरी टाइम. स्विस ब्यूटी इज गुड मैम? डेफिनेटली इट इज गुड फॉर सम प्रोडक्ट, नॉट एवरीथिंग. स्विस ब्यूटी लिपस्टिक्स आर वेरी ड्राई, अपार्ट फ्रॉम दैट अदर प्रोडक्ट्स आर बेटर. हाउ टू यूज कंसीलर करेक्टर? आई जस्ट शोड. डार्क सर्कल होना पर भी कंसीलर डार्क यूज कर सकते हैं या लाइट? डार्क सर्कल्स पे डार्क कंसीलर. इस चाबे से मिलानो फाउंडेशन गुड? यस, एंड आई हैव सजेस्टेड दैट आल्सो. आई एम यूजिंग चैम्बो का लिपस्टिक. हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड आई आस्क? टू. वन सेकंड. स्किन सेंसिटिविटी के लिए कौन सा क्रीम के साथ फाउंडेशन यूज ट्राई? व्हाट्स द क्वेश्चन? प्लीज शेयर ऑयली स्किन प्रोडक्ट्स इन ब्रॉडकास्ट. विशाखा. Sure, but oily skin product, what product you want, please tell me so that I can suggest you accordingly and we just don't talk about it. Ma'am, pack loose powder kaise hai gym? Bahut acha hai, professional and even self ke liye. How to use foundation liquid, MAC foundation liquid, I think MAC. MAC foundation liquid? How,
हाउ टू मेक फाउंडेशन लिक्विड माय बैड, हाउ टू एक्टिवेट द फाउंडेशन. ओके, विंटर में ये बहुत प्रॉब्लम आता है कि फाउंडेशन क्या हो जाता है, जम जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग अ क्रीम प्रोडक्ट. सो आप उसमें मिक्सिंग मीडियम यूज कर सकते हैं लाइक दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट. दिस इज ड्यूअल फोल्ड लिक्विड जेल फ्रॉम पीएसी. आप इसका ड्रॉप बट डायरेक्टली पैन में मत डालिएगा, थोड़ा सा फाउंडेशन स्क्रेप आउट करके अपना जो प्लेट होता है फाउंडेशन प्लेट लाइक दिस, इसमें डाल के इसको डाल के यू कैन जस्ट एक्टिवेट इट, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड देन इट विल बी वेरी इजी टू यूज. इंद्रायणी, अंडर एंड योर फेस का टोन मैच नहीं हो रहा है, व्हाई? आई थिंक अभी मैच हो रहा है बिकॉज ऑफ द लाइट, इट वॉज नॉट मैचिंग. लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट मी, क्योंकि वहां से लाइट और यहाँ से लाइट हिट हो रहा था तो शेडो आ रहा था. आई बिलीव नाउ आई माई सेल्फ कैन सी इट लुक्स फाइन. ओके, एंड अनदर थिंग इज वी आर डूइंग डे लुक राइट, सो मैं फुल कवरेज नहीं जा रही हूँ. अगर आपको फुल कवरेज पसंद है जो मैंने कंसीलर लगाए थे उसके बाद आप फाउंडेशन लगा सकते हो. आई लव मोक्ष, आई लव टू डू मेकअप ओनली लाइट बट विथ माई डार्क सर्कल्स इट शोज सो केकी, एंड वॉट इज द बेस्ट टू हाइड डार्क सर्कल्स? सो टू हाइड आई शोड यू, यू सॉ हाउ मच डार्क सर्कल्स आई हैव. द वर्स्ट प्रॉब्लम विद मी इज आई हैव डार्क सर्कल्स प्लस आई हैव क्रोफिट. क्रोफिट मतलब आई हैव लॉट ऑफ टेक्सचर अंडर माई आईज, सो मैं ज्यादा भी नहीं लगा सकती. ओके, सो यू सॉ हाउ ओनली टू प्रोडक्ट्स आई यूज एंड स्टिल द स्किन लुक्स द सेम राइट. यू कैन डू द सेम प्रोसेस. चलिए बात करते करते आई मेकअप भी कर लेते. आईज आज मैं बहुत ही ज्यादा सेटल रखने वाली हूँ और मैं लाइनर लगाऊंगी. ओके, लिप्स मैंने ऑलरेडी कर दिया क्योंकि फेस बहुत ज्यादा वन टोन लग रहा था. ओके, आई एम यूजिंग हुडा ब्यूटी पैलेट, आपके पास जो भी अवेलेबल है यूज कर सकते हैं. आई एम यूजिंग दिस वन लाइटर टोन. यस, रुचि जैन, फेस बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, क्या करें? फेस बहुत जल्दी ड्राई होता है. ओके, आप फेस ऑयल लगा सकते हैं, उससे आपको और ज्यादा एडिशनल मॉइस्चर मिलेगा फेस में. पल्लवी सिंह आर्टिस्ट्री, यू आर द फर्स्ट वन टू आंसर द टू फेस्ड क्वेश्चन का आंसर, सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट आंसर एंड डीएम अस, वी विल बी वेरी हैप्पी टू सेंड यू व्हाट वी हैव कमिटेड. सॉरी, ओह दैट वाज फॉर, या टाइम फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, योर फर्स्ट वन नोबडी हैज बीन एबल टू, फर्स्ट वन तो आई थिंक एलिमिनेटिव हो गया. Nobody has given the like complete full name. Yeah. Somebody have got the, some people have got the first but name. But nobody gave my mother tongue. हाँ. Mother tongue. Some have said Urdu. Some mentioned Kannada. I would love to learn Urdu, but I don't know. But बहुत लोग, maybe the way I dress up. Yeah, but not Urdu. But I would love to learn that language. Kannada. Kannada तो even I know Kannada, but my mother tongue is not Kannada. But of course, almost Bangalorean only, been here for so long. Bengali, someone is saying. I'm married to Bengali, but my mother tongue is not Bengali. Yes, I can speak Bengali. But I don't know what kind of, very different kind of Bengali I speak. Because these guys speak a little different Bengali. So yes. Okay, let's move ahead. So if you see, I wore a very, very subtle color. And then I'm going with another subtle color here, this one. Next. Okay, I'm just putting it on my lid here, all over my lid. मेरा hooded eyes है, okay? हल्का सा, because I'm giving a very very. Dizzy makeover is saying I'm the first one to answer two fist. Okay, Dizzy makeover, we will check it and we will definitely contact you. सिमरना साई सिंह नेपाली है ना. Somebody said you got the right name, Rayashi Chetri, but Tamil. No, Tamil I can understand. अच्छा, पलक says please answer कि मेकअप ब्लैक क्यों हो जाता है. क्योंकि जो भी मैंने वो दीवार का एग्जाम्पल दिया था राइट, अब आप एक बार रिलेट कीजिए उसके साथ. मेकअप इसीलिए ब्लैक होता है क्योंकि हम लोग कलर प्रोडक्ट लगा रहे हैं इसीलिए. इश्यू इज आस्किंग आप प्रोडक्ट कहाँ से लेते हो. मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आई बाय ऑनलाइन इज फ्रॉम नायका. ठीक है, मैं नायका से ही लेती हूँ मोस्ट ऑफ देम.
सम प्रोडक्ट्स आजकल तो हम लोग बहुत बेनिफिट कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, वेदर इट इज अ लग्जरी प्रोडक्ट, बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट, बट जो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है दैट आई एम गेटिंग इट फ्रॉम अब्रॉड, सोर्सिंग इट फ्रॉम अब्रॉड. आई डू नॉट बाय एनी प्रोडक्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम पेजेस. ओके, टू बी वेरी क्लियर. Abroad in the sense from the US, from the UK, US, from the UK, whenever Dubai. My colleagues or my friends travel, most of my friends travel, उनके लिए मैं मंगाती हूँ. Okay, let's do the liner now, ठीक है? Yes, I'm not going to block it. Anyway. Why is there anything concerning? Just a little bit. Tell me. Some pictures. Hmm? Nothing, nothing. Go ahead. Doesn't matter. Okay. How to make foundation according to the tone? According to the tone, I answered already. On the cheek area, you can use and understand your foundation shade. Okay, I am using this ABH liquid liner to put the liner now. Savli skin ke liye kaun sa foundation lenge? Savli skin ke liye aap kaun se brand mein lena chahte hain? स्किन टोन तो आपको स्वॉच करके देखना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि डस्टी के लिए ये फाउंडेशन है या फिर टोन के हिसाब से नहीं होता है, स्किन टाइप के हिसाब से फाउंडेशन होता है. बेस्ट फाउंडेशन फॉर ब्राइट इज हुडा ब्यूटी एंड नार्स. यस, हाउ टू हाइड एक्ने स्पॉट. ओके, आई विल डू माय लाइनर, यू कैन हैव अ लुक एट इट. ओके, एंड आई माइट टॉक लिटिल लेस नाउ. How to hide the acne spots? If it is very red, green corrector and then concealer. If it is not too red, then directly concealer and then you can hide it. Mishu Deb, can you please repeat your question? Missed it. Which lipstick palettes are good? Ambika. Forever 52. Rosie, we answered the question. Chamese Milano is good for summers or winters, she's asking. Any this you can use, all seasons you can use. See, the products, you should know how to make them work for any season. Nykaa is good, ma'am. Nykaa is like, Nykaa as a source to buy products is very good. You know what, I saw recently someone promoting saying that Nykaa mein fake products milte hain. Impossible. Not true at all. Kyunki main khud Nykaa se baat karti hu. I have been in contact with Nykaa and I have so many meetings recently also. Pink Friday sale ke liye hum log meet kiye the. No. It's so not true and I don't know why people faltu ka defame. Faltu ka ye because karte hain. Ye cheez if people say about Amazon or Flipkart, I will agree. I may agree. Depending on who the seller is, but not Nykaa. Nykaa में yes, कभी कभी आपको date expire हुआ products yes, मेरे साथ भी हुआ है. आपको बहुत clear होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा expiry, but अब तो they are so big to do that also. Capte Hill lotion makeup के पहले use कर सकते हैं. Yes. Cetaphil, I guess. Cetaphil. Yes. पहले ही use करना है. मैम प्लीज ऑयली स्किन क्रीम डे नाइट के लिए बताइए. ऑयली स्किन फॉर डे एंड नाइट, अगर आप इफ यू आर इनटू स्किन केयर देन एस्टिल ऑर्डर प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड. इवन यू कैन यूज फ्रॉम कामा. एंड इफ अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है तो आप पॉन्ड्स के जो ranges of skin care, you can use that. Can I just finish this? Yes, tell me. Good fixer for dry skin, Rohini. Makeup fixer for dry skin? MAC Fix It. Melasma ho. Melasma ko hide karne ke liye kya kare? Deepika. जिस कलर का आपका मेलिस्मा है उसी कलर का कंसीलर लीजिए और मेलिस्मा में लगाइए. बहुत ज्यादा ब्लेंड मत कीजिए क्योंकि मेलिस्मा में इफ यू ब्लेंड टू मच इट शोज वेरी इजिली. मेलिस्मा कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट है. इफ यू कैन देन यूज क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट मोर देन लिक्विड बेस्ड प्रोडक्ट, कवरेज ज्यादा मिलेगा. व्हिच मेकअप फिक्सर्स आर गुड? फिक्सर का आंसर हो गया है. लाइनर इज सच अ बिग प्रॉब्लम, हाउ टू अप्लाई आई गेस. See how I'm applying? She is applying. Very much patience. Especially if you have a hooded eyes like me.
आपका लाइनर ऊपर चिपक जाता है. लक्ष्मी इज आस्किंग हाउ अबाउट पर्पल, पॉसिबली पर्पल एज अ सोर्स टू बाय. यस इट्स गुड गुड. purple.com, हॉक मेकअप, ये सब से मैंने मंगाया हुआ है, तो सब में आपको जेन्युइन प्रोडक्ट सेफोरा मिल जाएंगे. जेल लाइनर फॉर ब्राइड्स ऑलवेज रिकमेंडेड. Suggest, she's asking. In glut. Which won't smudge. In glut. Never it will smudge. Been using it from past 8 years. जो मेरा दो प्रोडक्ट है जो मैं past 8 years से मैंने चेंज नहीं, I mean और प्रोडक्ट लिए हैं but they are always there in my kitty are MAC compact powder and my in glut liner. ओके रिया मलिक इज आस्किंग मलिस्मा क्या होता है. मलिस्मा इज छाइयां ही आई थिंक दे आर कॉल्ड इन, जो यहाँ पे काले काले डॉट्स आ जाते हैं दैट इज मलिस्मा. हाउ टू कवर लाफ्टर लाइंस दैट कम्स आफ्टर मेकअप. ओके नाउ लाफ जो लाफ लाइंस है आई हैव डन माय लाइनर ऑलरेडी. ओके सो जो लाफ लाइन्स है जो लाफ लाइन्स है फॉर दैट वन थिंग इज यूज लेस प्रोडक्ट ऑन द एरिया वेर यू हैव मोर लाइन्स एंड अदर थिंग इज इफ यू डोंट हैव टू मच माउथ एरिया पिगमेंटेशन एंड यू जस्ट अप्लाइड फाउंडेशन देन इन दैट केस यू कैन टेक अ क्यू टिप रिमूव द एक्सेस फ्रॉम हियर एंड डैब 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 एंड डू दिस मंकी फेस एंड डैब डैब डैब. ओके सिमरन साई हम नेपाली लोग कि यही प्रॉब्लम है कि लाइनर ऊपर लग जाता है. या सो ट्रू राइट बिकॉज़ वी हैव स्मॉल आईज वी हैव हुडेड आईज मोनोलिड आईज तो वो चिपक जाता है. मिस्ट्रियस गली सेइंग यू आर ब्यूटीफुल एंड सो इज योर आउटफिट. थैंक यू सो मच गाइस. इफ यू वांट टू नो अबाउट माय आउटफिट आल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू फ्रॉम वेयर आई बॉट इट एंड मैं इसका जो लिंक है वो आपको स्टोरी में दे दूंगी. दिस आउटफिट इज और लास्ट में मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ. आज मैंने मेहनत किया है पूरा ड्रेसअप होने में तो आई विल शो यू गाइस. ओके so this outfit is from Aura by Rira. okay they have sent it to me and I am wearing this very very beautiful outfit kyunki abhi thoda thanda hai so I am wearing a velvet and it's keeping me a little cozy so I think north ke liye to best hai velvet and velvet is my favorite aur bahut comfortable bhi hai so I will put that on my story. aap log jaiye check kijiye bahut hi reasonable hai and you can buy yours as well aur last tak rukiyega full look dikhne ke liye. प्लीज बताइए कौन सी क्रीम से डार्क सर्कल कम हो जाएगा. मैं सच बताऊं तो पिछले 4 साल से ट्राई कर रही हूँ बहुत सारे प्रोडक्ट, अभी तक तो मुझे कुछ मिला नहीं जिससे मेरे डार्क सर्कल्स कम हो जाए. बट यस जिस दिन मैं अच्छे से सोती हूँ और मैं बहुत सारा पानी पीती हूँ और अच्छा मॉइस्चराइजर करती हूँ तो मेरा फेस थोड़ा अच्छा दिखता है. बट कम हो जाएगा आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दैट क्योंकि नहीं होता है चाहे आप जितने लाखों की भी क्रीम. एंजल गर्ल गोरे होने का क्रीम बताइए. गोरे होने का क्रीम बताएं. गोरे होने का क्रीम तो भगवान से कनेक्ट करना पड़ेगा, भगवान को बोलना पड़ेगा प्लीज भगवान मुझे ले जाओ फिर से गोरा बनाओ और नीचे भेजो बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग आई अप्रिशिएट और प्रमोट. सो आप जिस कलर में भी है आई थिंक यू शुड बी हैप्पी विद व्हाट गॉड हैज गिफ्टेड यू. बट इफ यू रियली नीड टू नो देयर आर यू नो यू हैव टू विजिट इट्स पॉसिबल. बहुत सेलिब्रिटीज कराए हैं. नहीं है बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने कराया ऑफ कोर्स बट आपको उसके लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा कंप्लीट ट्रीटमेंट एंड दैट कॉस्ट अ बॉम्ब एंड आल्सो आई एम नॉट श्योर हाउ इट इज फॉर योर स्किन एंड ऑल. रिस्ली इज आस्किंग कैन यू हाईलाइट सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन लग्जरी मेकअप प्रोडक्ट्स एंड ड्रग स्टोर्स एंड आई थिंक यू कैन आंसर दिस यू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ. सो ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स आर समथिंग व्हिच आर वेरी इजीली अवेलेबल इन योर स्टोर. ओके व्हिच यू कैन सोर्स वेरी इजीली एंड योर लग्जरी प्रोडक्ट ऑफकोर्स जो इतने इजिली नहीं मिलते हैं हमको सोर्स करना पड़ता है उसको. ठीक है ऑफकोर्स देर इज अ प्राइस डिफरेंस देर इज अ क्वालिटी डिफरेंस. ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स आर मोस्टली यूज फॉर सेल्फ मतलब सेल्फ मेकअप के लिए बिकॉज हाउ फॉर वॉट डू वी डू मेकअप टू गो टू ऑफिस टू लुक अ लिटिल यू नो डन. सो फॉर सच ओकेशंस वी डू मेकअप जिसको हमको सोचिए 2-3 घंटे के लिए चाहिए. बट when we do makeup for our brides or for non-bridals or party at least makeup should stay minimum for 5-6 hours. so uske liye humko thode acche product use karne padenge jo coverage dega aur humko jo hai long lasting makeup dega. so that is also one of the very very important and biggest difference I believe. yes so that's the difference. almost done hai guys dekhiye no foundation today compact only concealer one wink liner very soft lips and then
इफ यू लाइक लॉट्स ऑफ ब्लश एंड आई लाइक लॉट्स ऑफ हाईलाइटर वेदर इट्स डे नाइट. यूजुअली लोग बोलते हैं कि नाइट में ज्यादा हाईलाइटर करेंगे ड्यूई स्किन, बट मेरे को तो हाईलाइटर जब भी पहना दो आई एम वेरी हैप्पी टू वेयर इट. सो दैट्स द रीजन आई एम यूजिंग अ लॉट ऑफ हाईलाइटर. अच्छा दोस्त क्वेश्चन दैट यू हैव नॉट आंसर्ड डीएम. ओके गाइस जो क्वेश्चंस मैंने यहां पे आंसर नहीं किए हैं प्लीज डू नॉट गेट डिसहार्टेन. और हाउ मेनी क्वेश्चन डिड वी फिनिश अमित? टू. या सो वी स्टिल हैव थ्री क्वेश्चंस. ओके और जो भी मैंने क्वेश्चंस आंसर नहीं किए प्लीज मेरे रील में जाके कमेंट कर दीजिए, मैं टाइम लेके सबको आंसर करूंगी. ओके एंड दैट्स माय ड्यूटी सो आई विल आंसर इट. थैंक यू सो मच. हाँ एंड नो डीएम नो डीएम नो डीएम. मैं डीएम चेक नहीं करती हूँ. यू सी सो मेनी डीएम कम्स और एवरीथिंग और मुझे खराब लगता है कि आई एम नॉट एबल टू आंसर देम गाइस. सो यस ओके यहाँ पे मैं इयर रिंग्स था. आई डोंट नो ये डीएम वैसे हाँ ओके बिकॉज अमित हैंडल्स डीएम सो ही इज टेलिंग मी Clear it. No, no, trust me, in a day we get about 700-800 DMs these days. Very difficult to answer. Nana, I am not a makeup artist. मैं makeup artist तो हूँ नहीं. Answer नहीं कर पाता और ऐसे देखता नहीं है. एक DM नहीं देख पाता है वो. Okay. So let us, finish our last three questions, guys. नहीं तो बहुत ज़्यादा late हो जाएगा. My sis is a makeup artist. तो इयररिंग्स भी डाल दिया है. सो प्लीज कमेंट ऑन रील में कमेंट कर दीजिए जिससे आपका जो है जो क्वेश्चंस है उसको मैं आंसर कर सकूं, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस आए आपके, इतने सारे क्वेश्चंस जिनको मैं आंसर नहीं कर पाई एंड आई डोंट फील नाइस अबाउट इट. सो यस हम सारे कमेंट आंसर करते हैं. यस जो भी मेरे कमेंट्स आते हैं आई मेक श्योर आई सिट एंड आंसर देम राइट. सो प्लीज कमेंट कीजिए एंड देन मैं उसके आंसर्स आपको कमेंट में दूंगी. नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आती हूँ अभी आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन लेके. ओके आज हमने जो कंसीलर लगाया था अपना अंडर आई हाइड करने के लिए वो डार्क था या लाइटर शेड था? वो डार्क था या लाइटर शेड था? ओके दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन. जो हमने अंडर आईज में कंसीलर लगाया था वो डार्क था. ओके आई थिंक आई गॉट द आंसर. ओके आई गॉट द आंसर. थैंक यू गाइस डार्क था. यस गुड गुड. ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था अभी आंसर आ रहे हैं डार्क. गुड यस ओके परफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा जो मैंने प्राइमर लगाया था आज मैंने कहाँ पे लगाया? विच एरिया ऑफ माई फेस डिड आई यूज द प्राइमर? कौन सा आई मीन कौन से एरिया में मैंने प्राइमर यूज किया था? ओके दिस आंसर टिल द टाइम आई विल पुट बिंदी. विच एरिया ऑफ माई फेस डिड आई यूज प्राइमर? जग्गी सिंह टी. Yes, we got the answer. Yes, T zone. Perfect, guys. Very, very, very good. Okay, so that is also done. Now today's last, question. No, last one more is left. No. Rashid Chetri. Okay, that's one. That one, and then about the concealer shade. Okay, एक और last question पूछती हूँ. अगर आपने मेरा live अच्छे से सुना है तो ये answer भी आपको पता होना चाहिए. Which brand outfit am I wearing? I just said you guys the brand name. Which brand outfit am I wearing? जो मेरा outfit है वो कौन से brand का है? जो मेरा outfit है कौन से brand का है? Okay, still we are getting T-zone. Aura di Dora. Aura di? Dora. No, you have to give me correct. Aura is fine. There was one more. After that. Aura is fine. Aura is, yeah, Aura, Aura. Sabne shuruaat ka word suna. Last word nahi suna. Okay, I'm getting only Aura. Aura di Dora was funny. Aura di Dora. Okay. अगर ब्रांड वाले होंगे तो वो लोग सोचेंगे ओरा दी डोरा, ये नाम भी अच्छा ही लग रहा है.
ऑरा एंड समथिंग मैक तो नहीं है गैरी, मैक नहीं है मैक. ओके मीनवाइल कैन यू शो माय फुल, आई मीन आई थिंक आई कैन शो माय फुल आउटफिट, यहीं पे दिख जाएगा शी उठ के, आई होप सो. हां जूम आउट करूंगी तो दिख जाएगा थोड़ा सा. हां इनफ 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 इनफ. सो दैट्स द आउटफिट. ऑरा द डोरा नहीं, ऑरा सिमरन साई सिंह नेपाली में बात करो एक बार. और हाँ यस आई थिंक आई गॉट इट, स्पेलिंग इज मिस्ड आयशा, स्पेलिंग इज अ लिटिल रॉन्ग बट स्टिल आई विल टेक दैट आंसर. ओके परफेक्ट, आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन गाइज. पांचों क्वेश्चंस हो गए हैं, पांचों क्वेश्चंस के जो आंसर्स आप लोग ने किए हैं डेफिनेटली वो चेक करेंगे करके हम लोग आपका जो गिफ्ट है आपको मिल जाएगा. एंड जो अनाउंसमेंट एक और मैं देने वाली थी, बिकॉज आई डोंट नो इफ यू ऑल हैव नोटिस, हमारा 100K हो गया है एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस एंड आई कैन नॉट थैंक यू गाइज इनफ फॉर सपोर्टिंग मी फ्रॉम द बिगनिंग टिल टूडे. एंड ऐसे ही मुझे फ्यूचर में सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना दिस इज नॉट पॉसिबल एंड ऑफकोर्स फैमिली इज देयर राइट. सो ऐसे मैं बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, बहुत डिफिकल्ट है मेरे को चीज़ें एक्सप्रेस करना. सो यस एंड दोज हु आर टेलिंग सेव द लाइव, ये लाइव आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल में. यूट्यूब चैनल का लिंक भी आज मैं ब्रॉडकास्ट चैनल में डालूंगी और अपने स्टोरी में डालूंगी. ओके सो हमारा 100K हो गया है. सो फॉर दैट मैं, अगर आपको याद है लास्ट टाइम मैंने जब लाइव लिया था तब मैंने बोला था कि मैं 100K पे कुछ अनाउंस करूंगी और कुछ स्पेशल लेके आऊंगी आप लोग के लिए. सो आई एम कमिंग अप विथ अ क्लास फॉर ब्राइडल विच विल हैपन, थोड़ा टाइम से होगा, विच विल हैपन इन जनवरी फर्स्ट वीक. क्यों इतना लंबा टाइम? बिकॉज ब्राइडल सीजन है, दिसंबर बहुत क्रेजी है एंड मैं ट्रैवल भी कर रही हूँ सो थोड़ा क्रेजी है, नहीं तो मैं नेक्स्ट मंथ ही रखती. बट या इट्स इन जनवरी और अभी सबको फीस जानना होगा राइट. Any guesses? Okay. So, this is like one time opportunity and I don't think so we will again come back with this kind of opportunity. It's going to be a full-fledged. आप देखिए ना, आज ही हमने इतनी सारी चीजें सीखी just in self-makeup. और ये तो bridal होने वाला है, right? ये एक private class होगा, Instagram में ही होगा but एक private account में होगा. सो उसको ज्वाइन करने के लिए आपको फीस पे करना पड़ेगा जस्ट रुपीज, हाउ मच अमित? 10 रुपीज गाइस, जस्ट एक कटिंग चाय से कम, चाय से कम 10 रुपए का ब्राइडल मेकअप आप सीखोगे फुल ऑन फ्रॉम वेरी लाइक कंप्लीट लुक आप सीखने वाली हो, क्वेश्चंस के भी आंसर्स होंगे उसमें. ओके इफ यू वांट टू ज्वाइन दैट आप डीएम मत कीजिएगा, मैं आपको ब्रॉडकास्ट चैनल और स्टोरी में जो है नंबर दे दूंगी, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा एंड देन यू कैन स्टार्ट योर रजिस्ट्रेशन. एंड वाई नाउ यहाँ पे सबको डाउट, बहुत लोगों को ना प्रॉब्लम क्या होता है ना, अगर महंगा हो तो भी प्रॉब्लम, सस्ता हो तो भी प्रॉब्लम राइट. कुछ ज्यादा सस्ता हो तो कुछ ज्यादा सस्ता हो तो सबको डाउट हो जाता है क्या सिखाएगी 10 रुपए में, आर यू सीरियस 10 रुपए में कौन सिखाता है राइट. सो यहाँ पे क्या है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग जो फ्री क्लास करते हैं दैट इज फाइन, दिस सेशन व्हाट आई एम डूइंग इज बिकॉज आई लव टू मीट यू गाइज, आई लव टू इंटरैक्ट एंड आई लव मेकअप, और जब मैं कर रही हूँ तो व्हाई नॉट शो इट टू यू गाइज एंड यू गाइज बेनिफिट. ठीक है नाउ मेरे जो इंस्टाग्राम में फैमिली है, देर आर पीपल हु कैन अफोर्ड सुपर लग्जरी थिंग्स एंड हु कैन पे लैक्स फॉर देयर फीस. And there are people who are not so privileged, right? Who cannot afford these things. So it's for both of them, right? Quality mein, definitely there's not going to be any, you know. And I think wo mere nature se hi aata hai. Main aisi hi hoon. Paisa mere liye matters, of course. But, mere liye... It's not a prime thing. Yeah, it's not a prime thing. Mere ko Bhagwan ne khane ke liye paisa diya. That's more than... And rehne ke liye ghar. Khane ke liye, gaari ke liye. Gaari ke liye, jo bhi hai. Jitna bhi acha hai, I'm very happy. But yes, ye cheez jo ab, agar aap sochoge ki yahan 10 rupaye, what am I going to learn? It's not going to be like that. Aap free mein dekh lo, itna seekhte ho, to aap usme to bahut hi zyada seekhoge. Aur main to bahut excited hu ye class lene ke liye. ओके सो अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो
आई एम गोना सेंड द नंबर ऑन माय स्टोरी, आई एम गोना पुट इट अक्रॉस, प्लीज गो अहेड एंड रजिस्टर जस्ट रुपीज 10. 10 रुपीज गाइस. हेलो, ऐसे ना द रीजन वर फॉर टेकिंग इट इज दैट यू नो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबको ना, मतलब एक तो है कि सीरियसनेस ऑफ द थिंग वो इम्पोर्टेंट है, और एक चीज है किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई फ्री क्या नाम है, लाइक प्राइड होना चाहिए खरीदने का. ये एक चीज मैं पॉइंट फिर से बताऊंगी. एक्चुअली अमित ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि जब वहां पे लोग आएंगे ना 10 रुपए देके उसको लगे कि हमने पेड फॉर इट. आज आप लोग ने, आज के लाइफ में भी हमने उतना ध्यान नहीं दिया. आपने देखा होगा कितने सारे लोग दे वर कमेंटिंग शिटी थिंग्स एंड आई डोंट गिव अ डैम टू देम, बिकॉज मेरे को उसमें मेरा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस है, इतने वैल्यूएबल कंटेंट है आपको बताने के लिए कि वो सबको हम लोग को ध्यान देना ही है, और अभी भी हम लोग बस बात उसके बारे में करेंगे ही नहीं. तो वहां पे क्या होगा ना, लोग फिल्टर्ड होके आएंगे, जिसको जेन्युइनली सीखना है वो लोग वहां पे रहेंगे, और उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में और मजा आता है. राइट, जो सीखना चाहता है, एक चाह से आते हैं कि उनको सीखना है कुछ, और आई वॉन्ट टू लर्न, मेरे को देखना है क्या होता है. सो ऐसे लोगों के साथ कुछ सिखाने में भी मजा आता है. राइट, मेरे को भी मजा आना चाहिए. राइट, सिखाने में ऐसा नहीं है कि बोरिंग लोगों को सिखा रहे और कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, कुछ मजा ही नहीं आ रहा है. तो यस, राइट, सो दैट इज वन ऑफ द रीजन. यू शुड फील प्राउड कि आई एम पेइंग एंड लर्निंग समथिंग. और ये भी आपके मन में भी नहीं रहना चाहिए कि हाँ फ्री का है. क्या होता है ना, फ्री का होता है ना, तो आप क्या पता ज्वाइन भी ना करो. 10 रुपए दिए ना, तो फिर भी आपको होगा कि नहीं नहीं, आई शुड ज्वाइन एंड यू नो यूटिलाइज दिस टाइम. एंड दिस इज ऑल्सो यू नो थैंक यू नोट फॉर यू ऑल दोज हु हैव यू नो सपोर्टेड मी टू कम टू दिस लेवल. इट वुड हैव नॉट बीन इजी गाइस. बहुत ही रोलर कोस्टर है ये जर्नी, बहुत इमोशनल जर्नी है, बहुत मेहनत लगा है यहाँ तक आने के लिए. नॉट ओनली माई फैमिली, माई टीम, सो मेनी पीपल आर इन्वॉल्व. जो वेबसाइट बनाया है, जिन्होंने लोगो बना के दिया है, जिन्होंने फर्स्ट मेरा बुकिंग कराया, जो मेरे फर्स्ट स्टूडेंट है, देर आर सो मेनी थिंग्स. सो ऑल ऑफ यू गाइज हैव सपोर्टेड मी सो मच, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट गाइज. एंड ये वाला न्यूज तो बहुत जबरदस्त है, तो ये अपॉर्चुनिटी प्लीज मत मिस करिएगा, क्योंकि इट्स गोना बी ऑसम एंड आई एम गोना शो इट ऑन समवन एल्स. मैं खुद पे ब्राइडल नहीं करूंगी, मैं किसी और पे दिखाऊंगी, तो उसमें आपको और ज्यादा जो है चीजें पता चलेंगी. राइट, सो यस एंड गाइज देयर इज नॉट गोना बी एनी सर्टिफिकेट ऑन दिस, बिकॉज आई एम श्योर इट्स गोना बी अ ह्यूज क्राउड. और आई कैन नॉट कमिट ऑन सर्टिफिकेट कि वो होगा या नहीं. सर्टिफिकेट के बारे में आई विल अपडेट यू गाइज, आई हैव टू डिस्कस दैट विद माई टीम. ओके, एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन सर्टिफिकेट. बट या अगर होगा तो सर्टिफिकेट होगा तो वो डिजिटल सर्टिफिकेट होगा गाइज, और ये ऑनलाइन ही होगा, और ये जस्ट ऑनलाइन होने वाला है, इट्स नॉट गोना बी ऑफलाइन. ओके, आई विल शेयर द नंबर. राइट गाइज, सो मेनी थिंग्स टू शेयर आफ्टर द लाइव. आई विल शेयर एवरीथिंग इन स्टोरी, सो हैव एन आई ऑन स्टोरी. रील में भी आ जाएगा. Okay guys, it's going to be in the January 1st week. ठीक है, so that's it. Again, फिर से बोल देती हूँ, जिनके questions मैंने answer नहीं किए हैं, please जाके comment कीजिए मेरे Instagram post में, and you're going to get the answer for your question what I have not answered. Please don't be disheartened. Okay, thank you so much for joining today's live. I had a great time. I hope you learned a lot, and I'll see you next time with more interactive session. Bye guys, take care, good night.